अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फरीद साबरी और मेरे नाल फैसल रामे साहब। अज का एक अपनी नोयत का अनोखा शो जिहड़ा कि साढ़े दोवां दे दरमियान कुछ गल्लां सी जिहड़ियां ना करना चाहने तुहाडे नाल। नाजरीन, बहुत सारे लोगों ने सानू क्रिटिसाइज़ किया, बड़िया बड़े बड़े अजीब कमेंट किए, बड़े बड़े लोगों ने सानू प्यार वाले कमेंट किए, इस कदर प्यार मुहब्बत वाले कमेंट किए कि मेरा दिल करता उन्होंने मिलन। लेकिन सानू तो बहुत प्यारे कमेंट्स किए, मैं सारे कमेंट्स पढ़दा वा। कितने पढ़ते हो तुसी? मैं इत्थे पढ़दा वा, मैं स्कूले जाके पढ़दा वा। झूठ ना बोलिया करो। इहनूं इक कुड़ी ने पुछया कि तुसी की हो, कहिंदा मैं राइटर हाँ। कहिंदी की लिखदे हो? कहिंदा मैं वो फेसबुक ते नाइस लाइक ये वो आ बस वाह लिखना वा। वेरी गुड हो गया, एडी कड़ी टेंशन। हाँ जी, इन्हें भी एक कुड़ी ने पूछा पढ़ते हो? कहता हाँ, मैं मुँह पता नहीं की पढ़ता रहना हूँ, यही सिर्फ पढ़िया। दरअसल नाजरीन, ये जो आज प्रोग्राम कर रहे, वैसे ही हम बैठे हुए थे एक होटल में, फरीद भाई ने मेरी दावत की है और उम्मीद है कि बिल यही देंगे क्योंकि दावत इन्होंने की है। दूसरे नंबर पर काफ़ी लोगों ने ये कहा कि हमारे कमेंट्स का आप जवाब नहीं देते। जवाब तो नहीं, जवाब नहीं यार, मैं दांगा कमेंट से। अच्छा, जवाब हाँ। सब तो पहले नंबर पे सानू यानी कि ना अजय अरोड़ा, अजय अरोड़ा अरोड़ा यार किसी को अरोड़ा ना खावे हो, सही से सही सही गल दसो उन्हां नूं। हाय हाय हाय, अजय अरोड़ा साहब, अजय कीता वा या मतलब बड़ी देर दा कीता वा उहने? अजय अरोड़ा जी, तुहाडी सालगिरह ते सालगिरह दी उहनूं विश करो। कहिंदा जी कि मैनूं इंग्लिश दे विच विश करनी है। ओ वेरी नाइस, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड बी गिविंग यू लॉन्ग लाइफ, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, मे यू हैव लॉट मेनी मोर। ओह वेरी नाइस यार, पता नहीं की कहता है। दो दिन लेना है आपको, तर्जुमा जी तो को मर्जी करा ली मैं भाई, ये ना किया दावा। गॉड बी गिविंग यू लॉन्ग लाइफ, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे और आप हमेशा सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, पागल के रहें, जोड़ियां सलामत रहें। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और कमेंट्स आया बहुत प्यारा, प्रोफेसर शहजाद साहब हैं कुजरांवाला से, उन्होंने कहा है कि फरीद भाई की शायरी बहुत अच्छी लगती है और फरीद भाई कोई एक प्यार वाला कोई अच्छा सा शेर सुना दें, कोई उनकी फरमाइश है। शेर मैं तो मैं लोगों को यह दिलों मतलब कढ़ना चाहना फैसला साहब कि है ना, लोग सोचते हैं कि सिर्फ मैं मजाइया शायरी करना, मैं सीरीयस संजीदा शायरी, मैं क्योंकि संजीदा होएगी तो मजाइया होएगी, इसलिए मैं संजीदा शायरी तो अपना आगाज़ किया। तो मैं शेर लिखा कि वक्त दे पिछले पैर नू, वक्त दे पिछले पैर नू मैं आन सड़कां ते रुलदी रही, लै गया मेरिया बेच उडूक उडीकां नाल तू अपने फुहारे नाल पकाने लै गयो, मैनू छड गयो बेच उडीकां दे, मैं हे ड्रैवर लभदी रही, मैनू शाम सवेरे मैनू तेरिया कोहणियां वजियां दे, ओ निशान नहीं भुल दे माई आवे के, कदी ते आ जा भुल के ही तू गेट दी कुंडी ला जावे। मैं ऐसे ही मतलब कि सीरियस संजीदा शायरी भी कर। तो ये प्रोफेसर साहब, वो प्रोफेसर ने शहजाद साहब तो वो समझते ने कि किड्डा वड्डा मैं, वो प्रोफेसर साहब ने कहा कि बड़े जोगल है, इन्ना का जोग जेदा माशाल्लाह। अब्दुल कयूम लंबड़दार साहब USA तो वो साडा प्रोग्राम फैमिली ने बह के वेखदे ने, लाइक करदे ने, ताडी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया ताडा। तो उन्होंने कहा जी कि फरीद साहब रीन साहब को कहो कि मैनू कोई दो जुगत कर दे, मैं नहीं करनिया। उन्हें कहा मुश्तरका मैं दो जुगत करो। यार अल्लाह माफी दे, असी कद तो जुगत कर भाया ने पुठे हाथ नाल दुआ मंगी होंगी है। मैं तो तुम यही कहंगा कि माशाल्लाह तुम किडे प्यारे इंसान हो, अपना गिटे तो कलर लवाया होंगे, पर मैं कद तो तुम जुगत करा कि तुम मेरे भरा हो। तुम सही गल, तो बाकी ताडे नाल साडा प्यार इस तरह सलामत रहे, अपना दोंदा चूचा होंगे वा, बड़ी गल है। तुम वीर दो गया हूँ, तुझे मार दी। और जी उस तो बाद ईशा इमान साहबा उन्होंने बड़े सरार नाल ना एक गल की जी कि बनती भी आ, और मेरा दिल कहता सी लेकिन मैं अदब दा जड़ा ना वो दामन नहीं छोड़ांगा। उन्होंने मैंने कहा कि फैसल भाई ने तुसी पांच वारी लड्डू लड्डू कहना वा, तू है मैंने दिखा कितने गया, मैं भी तो पढ़िया, मैंने तो नहीं आया कोई ऐ जे निकल आया विचो, मैं हुण सर्च करांगा, मैं सारा कुछ लभ के तुहानूं दियां। नहीं नहीं ए तू डिलीट कर। ओ यार कह दे तो डिलीट, मैं करन वाले मैनूं पता वा असी अपने मैंबर दी अपने टीम मैंबर दी कदी भी कटाई नहीं कर सकदे। तुसी कह लो लड्डू, तुहाडे जबान चो निकल आवे लड्डू, मैं नहीं कह सकदा लड्डू। तुसी किद्दां दी यानी लड्डू कह के तुहाडे पता नहीं की दिल च ठंड पैंदी, लड्डू 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 सारी दिहाड़ी भावें करदे रहो, उत्थे उत्थे बह के कर लो लड्डू, उत्थे बह के पंज वारी कहा सी उहदी गिण लिओ। अच्छा मेरा मतलब ये अल्ला झूठना बुलावे बड़े ही चावल बनना है अच्छी मुची, ठीक है ना। हैरी साहब कैनेडा तो वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं साडा शो, तो स्पैशल साड़ी टीम ने उन्होंने सलाम दुआ भेजे है, तो बड़ी मेहरबानी मुहब्बत है ताड़ी,
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐਸਏ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕੈਮਰੋਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕੈਮਰੋਨ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕੈਮਰੋਨ ਤੋਂ ਕੈਮਰੋਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਮਸ ਕੈਮਰੋਨ ਜਿਮਸ ਕੈਮਰੋਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੋਨ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇੜੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵੇਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਨਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਸੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੀੜ ਲੁਕੋ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫਨਕਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਣਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਬਸ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਰ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਦਾ ਭੂਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਅਖਬਾਰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸਹਾਫੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਨਕਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਨਕਾਰ ਹਮੇ ਨਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇ ਲੀਏ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀਓ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਪੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਖਾਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੈਕਿੰਗ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ 17 ਰੁਪਈਏ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਕਿ ਆਪਕੋ ਫਿਲਮ ਕੇ ਲੀਏ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਬਈ ਵਾਹ ਆ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ 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 ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਕੀ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੈਕਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ 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 ਤੁਮੇ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੜਾ ਤੱਲੋ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਇੰਝ ਰੁਖਾ ਲੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੂਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਤੀ ਹੂੰ ਹੈ ਨੂਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੂਰ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਉਹ ਭਾਈ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਭੱਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸਿਖਾਤੀ ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਧੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਭਾਈ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਡਮ ਹੋਈ ਸਹੀ ਹੈ ਨੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੇ ਕੀ ਥੀ ਬਾਤ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਉਸ ਉਹ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋ ਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਇਥੋਂ ਤਿਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਾਤ ਕੋ ਆਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆਉਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਤ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਲਾਅ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਲਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਵੀਕ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਲਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਓ ਹੋ 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 1500 ਰੁਪਇਆ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਉਹ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਂਸ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ
मैं करती हूँ, मेरे पास बैलेंस नहीं है। तो उदों ना मैं याद है एम्स के सैट चलते होंगे अरिक्सन का, इंस्टा अरिक्सन पॉकटल, हाँ जी एम मोबाइल चलते होंगे। तो कोई बहुत पुरानी नहीं गल दस रहे हो, बहुत पुरानी गल कर यार। इंस्टा रेंज पॉकटल वगैरह ये तकरीबन 2000 की गल आ, 2000 की गल ला लेना, मैं 1500 दे दो यार मैं जावा यार। 2000 की गल नहीं, 98 की गल आ, 1998 की। अच्छा जी 1998 की। तो मैं ना फरीद साहब री साहब उन्होंने ना मैं कार्ड उधारा लैता दुकान तो, 300 रुपये का कार्ड लैके दिता उन्होंने। मैं उन्होंने कहा जी, कहती मैं करती हूँ बात नूर से, कोई मसला नहीं, वो फिल्म में मसरूफ है, वो मुझे करेगा। उन्हें कार्ड शार्ड भी इन्हें करा। फरीद साहब एक दिन होया कि मैं ना कनाल रोड तो वापस आ रहा वहाँ घर वाली साइड, पैदल ही आ रहा, गड्डी नहीं सी होंगी मेरे को, हले भी नहीं, हूँ तो मोटरसाइकिल हैगी है कितने, और वो तुसी वैसे ही छोटी जी जेब च रखी हुई है। उतो मैं ना पैदल ही घर आ रहा, तो मैं अगे की वेख्या, तो मैं ना शौक हो गया, मैं ना पत्थर ही हो गया। क्यों? अगे उ सैक्टरी नहर से कपड़े धोन डे। नहर से कपड़े धोन डी थे, फैक्ट्री नहर से कपड़े धो रही। आहो अपने घर के कपड़े धोन डे, क्योंकि अक्सर यानी कि ना उतो नहर के बच्चे यानी कि ना लोग किनारे तो बह के कपड़े धोते होंगे सके। हूँ मेरे है ना हमसाए है, दो तीन घर छड़ गए, वह भी उत्थे नाल बैठ के लड़कियां माइया नहर से लैन ला के कपड़े धोदिया होंगे सगिया। हूँ अगो मैं ना रुक गया उत्थे, मैं रुक गया, तो कुछ साढ़ा तीसरा चौथा घर है ना, वो भी यानी कि उत्थे कपड़े धोन डे सके। तो मैं उन्होंने कहा, मैं सलाम अलैकुम जी, मैंने कहती हाँ फैसल की हाल चाल है पुत्र, सुना कहती कोई तेरा बनया, कोई फिल्मा फुल्मा मिली है तेनों? मैं क्या हूँ नहीं मिलनी, हूँ नहीं मिलनी। मैं गया क्यों, मर गए सारे, कहती डायरेक्टर डायरेक्टर। मैं क्या नहीं जी मेरे मर गए, मेरे मर गए, नहीं भले मर गए, मेरे गोल गप्पे मर गए। अगोला वो जी सैकटरी सी ना, वो पूछन लग भी ये कौन है, मैं अगों खाला कहती तेन नहीं पता वो रामे का मुंडा है। अच्छा 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 बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या खाले जी है कौन ने, उन्हें मैंने दसा कहती है फलाने की कुड़ी है। मैं वो तो महलेदार ने साढ़े, वो तो चाचे जी बता जी खेडे वाला बड़े सख्त ने। मैं चाचा जी गुड़ी क्या कहने। फरीद साहब री साहब अगले दिन सवेरे 10 बजे ना फिर दफ्तर, तो मैं घर पी टी सी एल दे फोन आया, फैसल साहब जिन्नी जल्दी हो सकता सारा दफ्तर आना। मैं क्या खैर है, वो भाई मैं कहते जी मेहरबानी जी फैसल साहब, मैं तुम जो भी जिस तरह भी, मैं इन्हें कहा कि इन इंज कर तेरी सेवा सूवा करेगा। ठीक है मामू, कहते बकवास ना करिए अबू ना, कोई गल गुल ना करिए वो। मैं क्या नहीं, मैं तो अपने अबू दसना भी इन्हें मैं इंज इंज करके गया। मैं फिर दस्या, मैं क्या जी 300 रुपये का कार्ड सगा, बिरयानी भले गोल गप्पे है, मैं क्या लवादमा 1200 रुपया बनता। उन्हें भाई 1200 रुपया मैं फरीद साहब, सब तो ज़्यादा फ्रॉड जोड़ा है ना, सब तो ज़्यादा फ्रॉड इस काम के शो बिजलैन के, जिस बंद हीरो बनने का शौक है ना उन्होंने माड़ा जहा कह दे यार तू तो माशाल्लाह संजय दत्त लग रहा है यार, बड़ी गल है, उन्हें तुम्हें बोतल पिलाएगा। हाँ जी, और असल मसला पता की होया, जेड़ा तुसी गोल गप्पे खवाए ना वो गोल गप्पा निकलिया, तो दही भले जेड़े ना किसी का तुम भला कर लगे से वो ताडे भले जेड़े जाते रहे, तो कार्ड जेड़ा तुम उत्थे इन्नी कार्ड नहीं कढ़नी, इस वजह तो यह मसले ताडे नाल होए। तो फैसल साहब मैं एक गल दसो कि यार जे फर्ज करो यह काम जो करते हो ना हो काम बंद हो जाए तो फिर तुसी की करोगे? वो ही जो खानदानी काम है, सियासत सियासत पोलिटिशियन अजीब शुक्र है। अच्छा तो उम्मीदवार ही हो, मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया,
न करते हम प्यार तो हुकूमत करते। वाह 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 वाह। अच्छा विजय चांद उन्हें प्रोग्राम साडा बहुत लाइक करता, वो कहते जी मेरे फेवरेट है ने प्रीत रामे साहब मेरे फेवरेट ने। एक मैनू सब तो अच्छा जरा कमेंट से लगा ना, मैं बड़ा मजा लिया वह, मंसूर राणा उन्हें क्या फरीद की शायरी से उल्फत है जाना उस दिस तो नबूद निकाल दो इनको उस तो बाद आके शायरी करे ठीक है ना। अभी पता कि जो तो शायरी करता ना फरीद तो पता नहीं कितों लफज लै आंदा तो अगो मैं कहता कहता यार फैसल भाई ये आमद होंगी है, ये आमद होंगी वारद होंगे पता नहीं कितों कितों लफज आ जाते हैं। अक्सर कहता मैं सुता होना वो तो कोई लिख जाता यार यार जेड़ा बंदा सानू है कहने ना कि यार फसलों से शायरी करो गड्डियों से शायरी करो वो काइंडली एक एक शेर भी सानू भेजे, एक शेर भेजे ताकि साडा ज़हन खुले कि यार वाकई। अच्छा फैसल साहब रिश्ते भी कुछ इस तरह मतलब अजकल रिश्ता एक फूफी फुफो फुफो नू ना बड़ा अजीब जिहा क्रिटिसाइज जिहा किया जाता वा खासकर कुड़ियां वालों, फूफिया कहें जी भी अल्लाह माफी दे फूफी वाल व्याही जाना तो उन्हें कहना ना 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 मेरी मेरी बात मैं करना फूफो की तरह व्याह ना। आपको पता है मैं तो शुरू से ही मेरी ड्रीम थी कि मैं फौजी से के साथ में या क्रिकेटर के साथ शादी करवाना चाहती हूँ, फूफो के मुंडे का पाए ने एडा गलत इमेज बनया। ये गलत गल है, सब तो ज्यादा प्यार अगर करता है तो फूफिया प्यार कर दी आए हाय फूफो बहुत प्यार कर दी है। तो कोशिश करा करो कि यार अपने इर्द गिर्द बाओ जदाद ये वो रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। अच्छा दूसरे नंबर पे मैं और थोड़े से कमेंट्स हैं जो आए हुए हैं तो लतीफ़ भाई लाहौर से वो अपने बच्चों के साथ प्रोग्राम देखते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं वो कहते हैं, और सुहेल भाई यूके से वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं उनकी बड़ी मेहरबानी जो जो हमारा प्रोग्राम लाइक करता है। बाबर नवाब जी हैं वो बहुत यानी कि लाइक करते हैं। आकब भाई की गल सुन ला, आकब की बात कर रहे हैं, परसों चौथ की गल कर रहे हैं। अच्छा आकब भाई ने मैं कहा जी मैं कॉल आई मैसेंजर से उन्होंने मैं कह दे जी फैसल भाई यार ताड़ी टीम ना मैं बड़ी मुहब्बत करदा, पहले दिन मेरी ख्वाब च मिठापुरी आया, अगले दिन मेरी ख्वाब दे विच फरीद साबरी आया, फिर अजमल सोनी आया, तो कहिंदा उस तो बाद ना तू आया तो ना ये सजाद साहब आए हैं। मैं क्या यार ये सी मजरूफ मैं क्या असं यार इदे शो कर मैं मजरूफ हाँ मैं क्या इतों फोरन बाद मैं क्या मैं चक्कर लाऊंगा सही है मैं। अच्छा सच्ची मुची की गल है फैसल भाई ने भी ख्वाब आई है तो फैसल भाई के ख्वाब के ना कोई बंदा गंद पॉइंट से इन्हों कह मेरे पैसे तू कि देने आ तो इन्हों कि ना वो ना फोरन झटका लगा तो उठ खलोते तो अगले दिन ना इंज पैसे फड़ के सुते आएगा तो मेरे को लै लेगा। अच्छा मैं एक नाम मेरे सामने आया जी मुहम्मद शहजाद मलिक साहब, वो कह रहे हैं जी कि ईद मुबारक सज्जाद जानी भाई आपको और आपकी पूरी टीम को, और फैसल भाई हर ईद पर हम परदेसी भाइयों को याद करने का बहुत शुक्रिया, एक दिन पूरे साल में सबसे मुश्किल होता है जो ईद का दिन होता है। यार उफ मैं मतलब इस सिचुएशन में यार किस तरह बयान करा वाकई कि यार जेडे भैन भरावान तो दूर असी कुछ लोगों को कहने ना यार अल्लाह दूर हो जाए वह होंगे नहीं, कुछ लोग जड़े ने दूर होने होंगे ने असं कि यारा कोल आ जाए। गोशी भाई चैना तो उन्हें जिशान भाई चैना तो जड़े जे भाई से यह मतलब कितों से मराठी तो सी यार बाहर के लोग मैं तुम दस रहा है कितों सन मैं दसो ना यार आउट ऑफ कंट्री कोक ऑफ चो सी इन्हों मैं नाल मैनशन करता चल कर ला कर ला कर ला कर ला कर ला। मैं शुभाज साहब ताडे जज्बात की कदर करद हाँ तुम एक गल दसा मेहनत करो भाई। अच्छा गोशी भाई चैना तो ने जिशान भाई चैना तो ने दूसरे नंबर से प्रीत भाजी ऑस्ट्रेलिया तो ठीक है। और यार इदा असं कमेंट पढ़न लग पे ना तो पाए ना तुम याद रखना कि बहुत सारे लोगों की नाराजगी बन जानी आ, असी नाराजगी नहीं किसी की चाहते सिर्फ ये कि जिन्हों लोगों के कुछ चीज़ा चीज़ा जोड़े कमेंट्स जोड़े ने वो साढ़े सामने नज़र आए थे असं पढ़ दते हैं, बाकी इंशाला असी हर शो के कोशिश करा हूँ कमेंट्स का जवाब दे। हाँ कमेंट्स का जवाब और कमेंट्स का जवाब एक म्यार से रखना वा, वह म्यार की होना कि वो सोच वेखी जाएगी कमेंट करने वाले की म्यार की आ किस कि अल्फाज इस्तेमाल करता, ये नहीं क्रिटिसिजम भी करो सानू तुसीं पैन तनकीद करो जज के तनकीद करो लेकिन सर थोड़ा जहा वो जरा हों ना एक इखलाकी जहा दायरा वो रह के साढ़े पेज लाजमी लाइक करना, फैसल रामे ऑफिशियल, फरीद साबरी ऑफिशियल, साजिद मिठापुरिया ऑफिशियल, अजमल सोनी ऑफिशियल, तुसी देख रहे हो सज्जाद जानी ऑफिशियल, तो साडा फेसबुक पर चैनल हैगा सज्जाद जानी कॉमेडी जी, सज्जाद जानी कॉमेडी साडा फेसबुक का पेज, इन्हें भी लाइक करना शेयर करना सबसक्राइब करना
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਰੀ ਓਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।